दीवार है, मान लो कि दीवार है, हाँ, एक दीवार पे एक पार्टिकल फेंका मान लो 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे, ऊषुमा 60 मीटर दूरी पे एक दीवार है जिसका कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर हाफ है, ये बोल जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, यस और नो? पक्की बात सोच लो, टकरा के वापस कहां गिरेगी? अबे दूरी बताओ पहले, बाद में क्या होता है? आइटम हो गया। √3 वापस जमीन पे तो आएगा ना, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, जमीन पे जा गिरेगा वो, दूरी बताओ। मैं बहुत टफ पूछ लिया क्या? सही भी बनाया है, सही बनाया है। हाँ, हो गया। नाइन्टी सिक्सटी 120। हे भगवान, मैंने टफ पूछ लिया क्या? सही तो पूछ लिया है, तुम साले डरा क्यों रहे हो? एक बात सुन, पता है, एक मिनट सुन, मेरी बात सुन। अच्छा मैं बोलूँ अब, लेट्स इसको ऐसे करते हैं कि भाई मैं कैसे सवाल बना रहा हूँ, है ना? गलत सही आपको देखना है, ये देख प्लीज, बात नहीं। एक बात अच्छे से समझो, जब भी ये सवाल आते हैं तो मुझे एक कंसेप्ट क्लियर है। क्या कंसेप्ट क्लियर है वो सुने ध्यान से, जब भी ऐसे बॉल टकराती है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट किस बात पर डिपेंड करती है? मैं कह रहा हूं इधर भी दीवार रख लो, इधर भी रख लो, कहीं पे भी रख लो, वाई डायरेक्शन की रफ्तार में कोई फर्क? अरे बॉल कैसे भी टकराए, कितने भी एंगल पर टकराए, देर इज नो नीड कि आप उसे निकालो, देर इज नो नीड कि आप उसे बिना निकाले भी काम चल सकता है। कैसे? पहले अपन सवाल कर लेते हैं, हो सकता है निकालना ही पड़े, देखते हैं पहले ध्यान से। मैं कह रहा हूं जैसे भी बॉल टकराई होगी, जिसे टकराई, एंगल थीटा वीटा वॉट एवर इट इज, ये तो निकाल सकता है, मैं जानता हूं। अरे यार हाँ ना बोल, बट एक बात समझ, इसके दो कंपोनेंट है, वीवाई और अच्छा वीएक्स, कितना है वो? 30 ही है भाई साहब। परिवर्तन किस में आया? वीवाई में कि वीएक्स में? वीवाई में तो आया ही नहीं। मैं कह रहा हूं बॉल ऐसे वापस ऐसे आई, मान लेते हैं, हो सकता है ऐसे जाके ऐसे भी आ रही हो, मान लेते हैं ऐसे आई। अब एक बात अजय समझो कि वाई में कोई चेंज नहीं आया, अगर ये सिंपल प्रोजेक्टाइल होता तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या 2 × 40/10 होती, मतलब 8 सेकंड होती। मैं कह रहा हूं दीवार लगा दी, ये ऐसे की बजाय कुछ ऐसे आया, ये सिमेट्रिक नहीं है, बट वाई में तो कोई चेंज, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज, अभी भी वापस दरवाजे मतलब जमीन पे गिरने में समय के 8 सेकंड ही लगेगा। अच्छा ये दूरी कितनी? 60, तो यहाँ टकरा, ये रफ्तार कितनी? 30, तो क्या यहाँ 2 सेकंड पे टकराए? तो क्या यहाँ 6 सेकंड पे वापस आए? मतलब यहाँ क्या 6 सेकंड में वापस गिरे? अच्छा हॉरिजॉन्टल रफ्तार पहले 30 थी, अब 15 है, तो 15 × 6 आंसर 90 है, खत्म। ओरल है, आपको कोई थीटा वीटा निकालने की जरूरत तो मैं नहीं आया। एक मिनट, खुशहाल साल में मना सकता हूं? yes. मुझे कुछ बातों पे क्लैरिटी है एकदम अच्छे से, क्या क्लैरिटी बताना? वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, अगर वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो बजाय सी बात टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं। चेंज तो एक्स में आया। अरे चेंज किस में आया?
किसमें आया? आवाज नहीं, किसमें आया? बस आ गया, खत्म। 90 लॉजिकली सोच, तुझे समझ आया नहीं आया? अगर E1 होता, जैसे किताबों में सिखाते हो कि मिरर इमेज ले लो, ये ले लो, वो टाइम पास करते हैं। अरे मैंने जनरल सिखाया है आपको यार, पता किताबों में क्या सिखाते हैं? अच्छी किताब होगी जिसमें E=1 लेके देखो कि अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे टकरा के ये इसकी मिरर इमेज होगी। अगर E1 होगा तो 30 में क्या चेंज आएगा? तो जैसे ही ऐसे जाता वैसे के वैसे ही तो वापस आ जाएगा। तो ये दूरी बेसिकली रेंज माइनस 60 होती। क्या होती यार? नहीं आया, मैं कह रहा हूं आप वैसे ही सुना, तो जनरल तरीके सीखो। आपको कोई वी थीटा निकालने की जरूरत, आपको दिख रहा है ना कि भाई साहब टाइम जो है वाई में कोई चेंज, अगर वाई में कोई चेंज नहीं आया तो सिंपल है फिर तो सवाल, कुछ भी पूछे आपसे। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, एक और सवाल बनाया तो लग रहा है। तो देख मेरे लिए कुछ नहीं, हाथ का मैल है, ध्यान देख भाई साहब। तुम्हारे बैच में कई सारे सवाल नए बनाता हूं मैं, तुम्हें जज भी रखना है ये सही है गलत है, कई चीजें नहीं करता हूं तुम्हारे बैच में मैं। इधर देख, तब करूं आसान, एक ऐसा कर लेते फिर करते हैं। अच्छा भूल गया, ई के लिए कितनी बोल, L2 वन के लिए 8 नहीं बोल, अल्फा की मतलब कुछ भी ले लो, मैं जब आशा कर लेते हैं 100√2 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना लू, इतने इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्या बताऊं, कहने की जरूरत ही नहीं साला है। 100 मीटर ले लू, चलो बताओ कहां गिरेगा, क्या करूं बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई रे, 20 आई क्या, यहां कितनी देर में पहुंच गया, 1 सेकंड में पहुंच गया, 19 सेकंड चला, अच्छा रफ्तार कितनी हो गई रे, 25, अरे कितनी हो गई, मेरे हिसाब से आंसर है 25 × 19 कदा, 25 × 19 अब तक कई बार ऐसे भी करते हैं, टाइम पास बताता हूँ आपको, सिर्फ सुनना, मान लेता क्या करूं, ऐसे दीवार बना लू, टिचक टिचक टिचक, ये टफ सवाल कहलाता है इसका, मैं कराए ना उसे सुनना, आपकी शीट वीट में कहीं है एक्चुअली ऐसा शायद, उन्होंने E=1 लिया है दोनों तरफ और देखू बनाया, मान लो बोले से कहीं टोंग टोंग, तुम्हें चमक रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल आपकी शीट वीट में कहीं है, तुम्हें चमका है क्या हो रहा है, दोनों तरफ दीवार लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क, टाइम ऑफ फ्लाइट तो रहेगी यार, तुम्हें नहीं आया यार, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो आपको दिख जाएगा कितने टक्कर खा रही है क्या, और पूरा बताऊं या करेगा तू, शीट वीट में है इसलिए मैं बोल नहीं रहा, एग्जैक्टली वैसा करा तो मजा नहीं आएगा, तो समझ में आया करा गया यार, अगर E=1 है वैसे भी वाई वाली में है तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला ना यार, और नहीं पड़ने वाला तो खुपाच खुपाच ऐसे ऐसे ही चलेगा, बेसिकली वो उसी की मिरर इमेज बनती जाएगी जो पूरे प्रोजेक्टाइल की, नहीं आया नहीं आया, अगर E=1 है तो एग्जैक्टली अगर आप दीवारें भी लगा दोगे तो ऐसे ही वो दीवारों पर टूट टूट के बनता जाएगा, तुम्हें चमका नहीं यार, ये फिर इधर से इधर ये आ गया यार, फिर वापस ही चिपक गया, और तुम्हें फील आई, मैं क्या कह रहा हूं यार, आई नहीं आई, एकदम पक्का, सोच ले कोई बुराई, और देख मान लो मैं आपको बोलूं कि ये दीवार है और एक पार्टिकल ऐसे डी दूरी से फेंका गया √gh रफ्तार से, बोलो क्लियर है, अल्फा एंगल पे, कितने एंगल पे, अल्फा, एक काम करो एक मिनट, हाँ चलो ठीक है अल्फा से गया है ना, और ये टकरा के वापस यहीं आ गया, कुछ तो ऐसा हुआ कि टकरा के, अरे यार किसी रफ्तार से फेंका, कोई भी रफ्तार ले लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा खास, तो अपन ने अल्फा एंगल पे फेंका, कितने पे गया और टकरा के वापस वहीं आ, बोलो क्लियर एकदम, कहां आ गया, वहीं आ गया वापस, तो ई बताना है,
आइटम है क्या? मतलब डी और एच की टर्म्स में आएगा तो आंसर मुझे याद नहीं, सवाल याद है बस। दिखाना क्या है, सही लग रहा है? जी जी काट लेना डी, सही है एकदम, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। तेने उल्टा निकाला है शायद, मुझे जहां तक लग रहा है उल्टा निकाला है ना कुछ। तू कर सकता है ऐसा, कोई ऐसा नहीं तू कर नहीं सकता इस सवाल को, तू कर सकता है। हैं? अच्छा देखते हैं एक मिनट, अभी इधर देखो पीछे ब्यूटी, क्या है आंसर? इधर ये ऐसे गई, वी नॉट रूट टू जी, जो तुम्हें रखना रख लो, जो भी इसकी रफ्तार मान लो वी नॉट मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, टकराने से पहले का टाइम टी वन हो गया। देख मैं गलती नहीं करूं, वी नॉट कॉस अल्फा, सॉरी डी वाई, और आते वक्त का टाइम टी टू हो गया डी वाई ई वी नॉट कॉस अल्फा। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? जब टकराओगे तो हॉरिजॉन्टल की रफ्तार में कोई चेंज क्या? टकराने के बाद इसी में ई वी नॉट होगा, इसी में यार मानिए, इसी में ई वी नॉट होगा। तो भाई साहब जो अब वापस कितनी दूरी चली डी, तो टकराने के बाद जो टाइम हुआ वो इतना हुआ, बोल सही की गलत? ये टोटल टाइम हुआ। अच्छा ये टाइम बाई से भी निकाल सकते, टोटल टाइम है फ्लाइट में कोई फर्क, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं डी बाई वी नॉट कॉस अल्फा प्लस डी बाई ई वी नॉट कॉस अल्फा बराबर टू वी वाई बाई जी। अच्छा वी वाई कितना है? वी नॉट साइन अल्फा बाई जी, बोल सही है क्या? इस वी नॉट को तो ले जाएगा तो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए रूट जी एस दिया था ताकि अच्छा सा आंसर आए। असिन कुछ नहीं बेटा, जो बोला चमका, यहां से क्या निकालना है आपको? ई, अब निकाल लो जो भी निकालना है। क्या है दिखाना? मैं उधर चला गया वी नॉट, वी नॉट तो देखिए तो डी है ना, तो डी तो कॉमन आ गया, डी बाई वी नॉट कॉस अल्फा कॉमन आ गया, ऊपर बचा ई प्लस वन बाई ई। अरे सही है क्या? अरे सही तो लिख रहा हूं यार, इक्वल्स टू टू वी नॉट, तो वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा टू, साइन टू अल्फा, सही कर रहा हूं क्या? बाय जी डी, और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू जी एच, तो जी ने जी को मार दिया मेरे हिसाब से। बस अब जो भी आंसर है कितना है ई के लिए इसे देखना, कंपोनेंट डिविडेंड लगा लो, जो करना हो कर लो। हाँ ना बोलो, बोलो ई के लिए कितनी आई? डी बाई एच साइन टू अल्फा माइनस डी, सही है क्या? ऐसा ही सही है, आया नहीं आया, आया नहीं आया। क्या टाइम से करोगे? करोगे तो और ऐसे ऐसे ही कराएगा सर, ऐसे ही कराएगा। एक और कराऊंगा ऐसा यार, अरे वो आसान देने के लिए वी नोट ले लेते तो वी नोट के टर्म्स में आया था, वो मर गया रहा उसमें। आया ना? मान लो कि एक पार्टिकल फेंका गया, भाई साहब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे टकरा है, बिल्कुल टॉप मोस्ट, ऐसे नीचे आए
फिर कूद के वापस यहां आए। ये किसी तो एग्जाम में आया था सवाल, इरोडो नहीं, मतलब ओलंपियाड ओलंपियाड किसी में तो आया था। हाँ, दिस कम्स टू सीबीएसई 2015 है ना, सीबीएसई ऐसे सवाल पूछने लगे ना बेटा, मर्जी। अच्छा, बिहार बोर्ड में आता है। हाँ, बिहार बोर्ड में कुछ भी पूछ सकते हो। नहीं, मोशन गेट्स में तो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। ऐसे गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टकराई, कहाँ टकराई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। यहां पे भी ई का यूज है, यहां पे भी ई का यूज है। बोला गया था शायद ये दोनों जगह ई सेम है। ई बोलो, क्लियर? बोला फाइंड ई। क्या ई बताना है? ई आंसर आएगा प्रॉपर, वैल्यू आएगी बाकायदा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इधर देख, यस में एक काम करते हैं, कुछ तो कंपोनेंट मान लेते हैं फेंकते वक्त। इसे मान लो यू, इसे मान लो वी। आप बी नॉट कॉस अल्फा भी मान सकते हो, पर प्रोजेक्टाइल में हमेशा एक बात मैंने तब भी बोली थी, तब भी बोलती है कि अगर वी और अल्फा दोनों वेरिएबल हो तो ज्यादा फायदेमंद ये रहता है कि यू वन यू टू मान लो या यू वी मान लो, इट इज ऑलवेज सेंसिबल। अच्छा, ये यहां पे टकराया इतने टाइम पे, तो बेसिकली ये रेंज का आधा है। तो बेसिकली ये दूरी कितनी है? अगर मैं यू वी के टर्म्स में लिखूं तो लिखूंगा यू वी बाई जी। ये दूरी है कितनी? अरे 2ux uy by g होता है ना, तो uv by आधी हुई ना, कितनी हुई? अच्छा, जब बॉल यहां टकराई, इस वाले पाथ को तोड़ लेते हैं ऐसे। ये इस दौरान टाइम ऑफ फ्लाइट तो v by g ही रही, क्योंकि y कंपोनेंट में कोई चेंज, तो टाइम बेसिकली t by 2 है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसको यहां से यहां नीचे आने में टाइम तो v बाई जी लगेगा। yes, यार नहीं आया, क्यों 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 क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं, जब ऐसे टकराते तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट आधी t बाई टू खत्म हो चुकी है, तो फिर t बाई टू बची, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। मेरे हिसाब से देखना प्लीज, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं आ रहा एकदम। v बाई जी, यस और नो? बट रफ्तार हो गई ईयू, कितनी हो गई? ईयू ईयू। तो ये दूरी कितनी हो गई? E U V by G। ये तो जो अभी तक करते आ रहे थे वही है यार। E U V by नहीं आया। अब बहुत टिचका हूं इस प्रोजेक्टाइल के लिए, Y रफ्तार, इसको अलग बना दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस प्रोजेक्टाइल के लिए Y रफ्तार है EV और X रफ्तार है EU, तो ये दूरी हुई 2EU EV by G। हजमटी ला रमा, आया नहीं आया? दिस प्लस दिस बराबर दिस, पता नहीं क्या लिखा सर आपने। पहले समझो जो मैंने लिखा, UV by G, 2EU EV by G, ये क्या लिखा बोलो? चमका तुम्हें? yes, भाई जब इससे टकराया ना तो X में E जुड़ा, और जब इससे टकराया तो Y में E जुड़ा। अरे बोल, जुड़ा नहीं जुड़ा? बस अब लिख दो 2EU E square UV by G plus EUV by G by UV by G UV by G, UV by G, UV by G, तो 2E square plus E minus 1 बराबर 0, दो आएंगे एक नेगेटिव आ जाएगा मेरे हिसाब से, कितना आया? यार तुम्हें चमका ही नहीं आ रहा एकदम, ढंग का सवाल कराओ, सब सन्नाटे में चला। हालांकि कई लोगों ने निकाल लिया, वेरी गुड। कितने लोगों ने निकाल लिया था हाफ? बहुत शानदार,
आ जाओ। मान लो ये स्टैंडर्ड सवाल, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। मान लो आपने कोई बॉल थीटा एंगल के वेज पे फिक्स्ड है, थीटा एंगल के वेज पे एच हाइट से गिरा दी। कितनी हाइट से? एच हाइट से। और ये बोला गया कि टकराने के बाद ये बॉल हॉरिजॉन्टल हो गई। कैसी हो गई? आवाज नहीं आई। कैसी हो गई? फिक्स्ड है वेज, वेज चल नहीं रहा है। वेज समझ में आया क्या पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं मैं? एच हाइट से गिराई और टकराने के बाद इसकी ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल। क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई। मान लो ये बताया गया कि हॉरिजॉन्टल आफ्टर टकराना, आफ्टर ऐसा हुआ, तो ये बताओ यहां जहां टकराई वहां से पढ़ो सवाल, सॉरी एनसीईआरटी सवाल। चलो बोलो। नहीं हुआ? हाँ, टकरा दिया रफ्तार वी मान लो, या वी मान, वी नॉट मान लेते हैं, और वी नॉट के लिए अस्तित्व में है रूट टू जी एच। अरे बात नहीं, कितनी? रूट टू जी एच। तो वी नॉट बराबर रूट टू जी एच, देखते हैं कोई गलती नहीं करूं मैं। टकराने के बाद रफ्तार ऐसे हो गई मान लेते हैं कुछ तो वी। बोलो क्लियर? सेंसिबली सोचो। तो जो वी नॉट है उसके दो कंपोनेंट हैं, ये वी नॉट का, ये थीटा, ये थीटा, तो ये वी नॉट कॉस थीटा और ये वी नॉट, कौन चेंज नहीं होगा? कौन चेंज नहीं होगा? कौन पलटी मारेगा? बोलो क्लियर? अब आप ध्यान दें तो ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ये थीटा, तो ये भी मतलब वी का इधर वाला कंपोनेंट भी चेंज, मतलब वी कॉस थीटा बराबर वी नॉट साइन थीटा, तो वी की वैल्यू तो आ गई वी नॉट टेन थीटा। यस और नो? अब बॉल ऐसे टकराई तो ये वाला कंपोनेंट, अगर आप बहुत ध्यान देना, फील करो पहले, मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया तो डरे क्यों? असलियत में यही तो है। क्या हुआ? इसे कहते कंसंट्रेशन, मतलब ध्यान का है वो चिल्लाने वाली क्या कह रही है। अब देखो ये भी ध्यान पड़ रहा है वहां से, मतलब इतना प्रोसेसिंग हो चुकी है दिमाग में, मतलब कई लोग तो ऐसे थे कि मतलब अगर लड़की की आवाज होती तो नीचे जाके देखाते सर। हे भगवान, रियलिटी में जब आपने ऐसे सवाल करे थे तो ये बॉल ऐसे आके टकराई थी, ये ऐसे था, इसी डायग्राम को टेढ़ा कर लिया है ना, इसी डायग्राम को क्या कर लिया है? सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, जब बॉल ऐसी जाती तो याद करो इसके दो कंपोनेंट होते थे इधर ux और uy, तो ux में कोई चेंज बट uy पलट जाता था euy। यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? तो ये उसी प्रकार सवाल है, आप उसे बेवकूफ बनाया थोड़ा सा तो आप कंफ्यूज हो गए यार। हाँ ना, बोल। ध्यान देखो तो वही डायग्राम को ऐसे भी तो बनाया जा सकता है यार, बस वही करा है। खैर अब ध्यान देखो तो ये वो कंपोनेंट है v नॉट cos थीटा, तो जो भी कंपोनेंट होगा इधर इसका वो हो जाएगा ई वी नॉट cos थीटा, तो असलियत में v sin थीटा इज ई वी नॉट cos थीटा। v sin थीटा इज, अरे क्योंकि ई वी नॉट cos थीटा और v नॉट sin थीटा का रिजल्टेंट v है ना। भाई जो बॉल टकरा है उसे दो कंपोनेंट, एक v नॉट sin थीटा और एक v नॉट, किसमें चेंज नहीं आया? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, किसमें चेंज नहीं आया? वी नॉट साइन, दो तरीके से बता दो, वी नॉट साइन में चेंज और इसमें कितना हो गया? आप लॉजिकली सोचो तो ई वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। ई वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन का रिजल्टेंट
कैसे आना चाहिए यार, आवाज नहीं, कैसे आना चाहिए, यही करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल ध्यान देखो तो ये वी नॉट पॉसिबल 90, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, क्या ये टेन थीटा लिख लो, अगर आप इस रिजल्टेंट को ऐसे देख लो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल देखना कोई गड़बड़ नहीं करूं मैं, ये ई वी नॉट कॉस थीटा तेरे हिसाब से कर देता हूं, और ये अपना कितना हुआ वी नॉट साइन थीटा, बोल सही कर रहा हूं क्या एकदम, और ये आपका रिजल्टेंट है तो आप ध्यान से देखो, तो ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा जल्दी बताओ मेरे को, टेन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, और ये कितना है EV नॉट cos थीटा बाई V नॉट sin थीटा, बोल सही कर रहा हूं क्या, ऐसे भी कर सकते थे ऐसे भी कर दिया, बोल V नॉट ने V नॉट को मार दिया, बोल E की वैल्यू, बोल E की वैल्यू नहीं आया, आया नहीं आया, सोच ले, हाँ ना बोल, पक्का आवाज नहीं, हाँ ना बोल, एकदम पक्का, उड़ गए तोते, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जैसे पता है 10-10 नंबर के घिसू सवाल जो होते हैं ना उनमें पता है क्या और करा जाता है, सुने ध्यान से कराऊंगा नहीं सर, सुनना अच्छे से, अगर आप बहुत सेंसिबली देखो तो मान लो मैं एक सवाल बनाते हैं अपन मिलके, है ना, देखना कोई गड़बड़ नहीं करे, बस सोचते हैं, मान लो मैं एक ये ले लूं 2 kg, एक बॉल गिरा लो 1 kg 10 मीटर से, E की वैल्यू हाफ हाफ ले लो, जो लेनी है ले लो, एंगल 37 डिग्री ले लो और इसे भी फ्री छोड़ दो, तो इट विल बी अ टफ क्वेश्चन, इट विल बी अ, बट तू सॉल्व कर सकता है, पहले सोच करेगा क्या, मैं सॉल्व नहीं कर रहा ना, फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं, अब मेरे से क्या क्या पूछा जा सकता है, बॉल के टकराने के बाद की रफ्तार और वेज की, वेज किधर जाएगा, जाएगा नहीं तो समझ में आ रहा है ना, किधर जाएगा, सोच लो, हाँ ना बोल, हाँ, क्या हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंसेप्ट है, अब आपको जब सॉल्व करना होगा तो आप बेसिकली ये सवाल जो मैंने आपको बोला है दिखने में छोटा ही है, बट ये 10 नंबर आए सब्जेक्टिव आए, तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, मोमेंटम भी कंजर्व होगा, इंपल्स की भी इक्वेशन आएगी, ई की भी इक्वेशन आएगी, किसकी आएगी, बस पहले सोच करें, सिर्फ सोचना, कर मत, टाइम पास नहीं करते फालतू, 10-15 मिनट चले जाएंगे नहीं तो अभी, बस सोच पहले कि कैसे करूंगा सवाल, सिर्फ अपने मन में एक पिक्चर बना, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या करना होगा, पहले मैं टकराने के बाद, और वेज की, तो तू क्या मान ले, रफ्तार हो गई बी, कितनी हो गई, और बॉल की रफ्तार 2 मान लेते हैं, इधर V1 और इधर, ऐसा बुरा ही है क्या कोई, हाँ कैसे भी मान लो, ऐसे मान लो, अलोंग अलोंग मानो, ऐसे मानो, जैसे तुम बोलोगे मान लो, मुझे उसमें कोई क्योंकि 2 ही वेरिएबल है वो, अरे हैं वो, बोलो क्लियर, कितने वेरिएबल है, 2, तुम चाहो तो ऐसे मान लेना, अच्छा अब इक्वेशंस कैसे कैसे लिखोगे बताना, इक्वेशंस कैसे कैसे लिखोगे मुझे इतना से बताओ बस, जब बॉल टकराएगी तो नॉर्मल ऐसे आएगा, वो नॉर्मल एक तो वाई के कंपोनेंट को चेंज करेगा, एक एस को, और दूसरा ई कंजर्व रहेगा, ई कब से कंजर्व हो गया है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वड है कि नहीं है, है कि नहीं है, है एक इक्वेशन आ गई, दूसरी ई की लिखोगे, कौन सी लिखोगे, ई की कहां से आएगी, ई की कहां से आएगी, ई की कहां से आएगी, अलोंग दिस, आपको असलियत में इसमें बनाना पड़ेगा पूरा, देख ध्यान से, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, और चाहो तो आप एन एन से भी सॉल्व कर लो, ऐसे आपने लिया एन, बॉल पे भी ऐसे क्या लगा एन, ध्यान देखो तो इस एन का इधर वाले कंपोनेंट ही वी लाया है, मतलब रिलेटिव देखो तो ये एंगल एंगल कितना, ये 37 है, कितना लिया है मैंने, जो भी आप ले रहे हो ये 37, तो ये कितना हुआ, नहीं ये 53, ये 37, ये 53, आप ध्यान देखो तो इंटीग्रेशन एन कॉस 53 dt is basically 2v, is basically 2v, is basically 2v, इस n का जो बॉल है क्या है, जो बॉल है उसको आप बहुत ध्यान देखो तो बॉल का आपको दिखाई देगा, बॉल की जो इक्वेशन है वो एक इधर y में आएगी, मैं 4 इक्वेशन आप बेसिकली ध्यान देखो तो 4 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने अगर इंपल्स भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप ध्यान देखो तो n v1 v2 और v, बॉल है कि नहीं,
तो बताया था कैसे कैसे लिखी जाती है। एक इक्वेशन एम की कहां आएगी, वाई में, किसके लिए, किसका मोमेंटम वाई में, बॉल का, बॉल की पहले रफ्तार कितनी थी, टू जी एच, अब कितनी हो गई, वी वन, नहीं आया। तो एन का जो इधर कंपोनेंट होगा वो आपको जो भी होगा एंगल एंगल निकाल लो, जो भी आएगा, ये कितना है, ये 37, ये भी 37, ये 53, ये क्या 37 आया, सही कर रहा हूं क्या, तो एन कॉस 37 डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन वाई, उसमें वी वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे ही क्या, एन कॉस 37 बी टू इधर, हालांकि वो एन कॉस 53 एन कॉस 37 से निकल के वो वापस इक्वेशन वही वाली आ जाएगी मोमेंटम वाली, बट पूरा लिख लेते हैं बंदे, बोल आया कि नहीं आया। अच्छा कितनी इक्वेशन हो गई, तीन, चौथी कहां से, ई, ई कहां लिखते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब ई को लिखने वाले देख, देख तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, डर तो नहीं लग रहा, फालतू नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, और कोई खास बात नहीं है। देख अगर आप ध्यान देखो तो इसकी रफ्तार अपन ने ऐसे ली वी, जो भी ली, और इसकी मान लो अपन ने ऐसे ली वी वन और ऐसे ली वी टू, बोलो क्लियर। अब अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सब कुछ होना, बोल हाँ कि ना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो इस वी टू और वी वन का इधर कंपोनेंट ले सकते हो, और वी का इधर, वो हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो क्या हो गई, नहीं आया, नहीं आया, एंगल एंगल लिख ही देता हूं तू चाहे तो ये 37, ये 37, ये 53, ये 37 और ये भी 53, तो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए वी, देखने को गड़बड़ नहीं करूं, वी वन कॉस 37 प्लस वी टू कॉस 53 प्लस ये एंगल कितना है बताना, ये 37, ये 53, ये 37, ये 53 प्लस वी कॉस 53 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन, अरे पहले तो ई की इक्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखते नहीं लिखते, लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये है ना, बोल है कि नहीं है, तो वैसे लिखी मैंने, देना गड़बड़ नहीं करी कैलकुलेशन, तेरे सामने कर रहा हूं, बोल हाँ कि ना, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अलोंग द लाइन, जब अप्रोच हो रही थी तो आसान थी, क्यों, क्योंकि जब अप्रोच हो रही थी तो सिर्फ ये रफ्तार थी, इसकी कोई रफ्तार नहीं, तो बेसिकली ये जो अंडर रूट टू जी एच था इसका सिर्फ इधर कंपोनेंट 37 53 37, तो रूट टू जी एच कॉस 53, रूट टू जी एच, रूट टू जी एच कॉस 53, जो भी आप लिखो, कॉस 37 इक्वल टू ई के लिए जो भी दी हो हाफ हाफ, जो भी देख, सब आ गया इंपल्स विंपल्स सब, यार आया नहीं आया, आया नहीं आया, तोते उड़ गए भाई साहब, नहीं उड़े, उड़े कि नहीं उड़े, बोल आया नहीं आया। अब बता इसमें जैसे एक बार बहुत पहले कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, किसका, तो निकालोगे तो वही तो आएगा, तो दोनों कंपोनेंट ले लिया जो नेट था, वी वन वी टू नेट है, और वी वन वी टू का एक तरफ मैंने जोड़ लिया, तो नेट का ही तो लिया है कंपोनेंट, गड़बड़ तब है जब एक ही कंपोनेंट का कंपोनेंट लो, नहीं इंपल्सिव है, नहीं नहीं कर सकते भाई, क्या बात कर रही है, जो वो कंपोनेंट वाले पूछ रहे थे वो समझ आ गया उनको, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर कंपोनेंट का कंपोनेंट लेके आपने लिख दिया, अरे मैंने दोनों कंपोनेंट का ले लिया ना कंपोनेंट, डाउट गलत नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले वाली बातें ध्यान सुनी थी, उन्होंने मेरे से डाउट पूछा है, देना गड़बड़ नहीं करूं, एक बार लॉजिकली सोच, मैंने गड़बड़ क्या बोली थी सुने अच्छे से, मान लो मैं बोलूं कि ये पांच, ये चार, ये तीन, अब मान लो मेरे को इधर कोई कंपोनेंट लेना है, यहां कोई किसी भी एंगल, मान लो ये एंगल कितना हुआ 37, मान लो कुल मिला के एंगल और है 30 डिग्री, तो मैं पांच का इधर कंपोनेंट लूं या तीन का भी इधर ले लूं, चार का भी इधर ले लूं, मैंने वही करा है, मैं खाली चार का लेता तो गलत करता ना, नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, पक्की बात, ओके। और कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से, हाँ एक मिनट, तुम्हें समझ तो आया मैं क्या कर रहा हूं, हाँ अब इसने मेरे से पूछा कि सर अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम कंजर्व है क्या, टेल मी व्हाई, इसने मेरे से पूछा सर मैं अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम कंजर्व कर सकती हूं नहीं कर सकती हूं, आप अपन लोगों का आंसर देना है,
क्यों नहीं? आप लोग बताओ क्यों नहीं? हाँ, अर्थ से जो नॉर्मल लग रहा है वो इंपल्सिव है, इसलिए नहीं कर सकते। देखना मैं गड़बड़ नहीं करूं, ऐसे जब बॉल ये टकराई तो इसमें इंपल्सिव ऐसे था, इस इंपल्सिव एन की वजह से ये वाला एन भी इंपल्सिव। तो बॉल और इसके सिस्टम में ये एक इंपल्सिव फोर्स आ गया है जो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट पे मोमेंटम ओरिजेंटल में कंजर्व, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट कंजर्व। यार नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, उड़ गए भाई साहब प्राण प्रखेरु। ओलंपियाड में बताया क्या पूछा था? बॉल आई टकराई, कुछ खास डरो मत, आसान था रियलिटी में इससे, क्योंकि दो रफ्तार की जरूरत ही नहीं, सिमेट्रिकली गिरा तो उसकी रफ्तार बोल दिया रेस्ट पे आ गई। तो ईवी पूछा था उन्होंने, उससे जो कराया उससे आसान है, डरो मत। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकली गिरा तो दोनों हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों इधर भाग गए, और हॉरिजॉन्टल वाला कंसर्व तो दोनों की रफ्तार, तो एक ही से मानने से हो जाता है। बेसिकली इसने एन स्पेस लगाया, इसने एन ऐसे लगाया, उन दोनों के एन ने इसकी रफ्तार को क्या कर दिया, जीरो, और उसी एन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने उनको वी रफ्तार दे दी। बहुत आसान दिखने में सेटअप लग रहा है, बहुत आसान है उससे। अरे यार जो ओलंपियाड है, फिर से जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम्हें चमका नहीं मैं क्या कह रहा हूं यार, उतारो मत, सिर्फ समझो। देख जो मैंने अभी कराया उससे बहुत आसान था ये सवाल। इसमें देख उसने उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि ऐसे आपकी वेजेस हैं, उस पर एक बॉल आकर धड़ाम से गिरी और वो रुक गई इंस्टेंटेनियसली। रुक गई मतलब रूट टू जी एच, एम रूट टू जी एच मोमेंटम जीरो हो गया। ये किसने करा होगा? एक एन इस वेज की वजह से ऐसे लगा होगा, एक एन, ये टू एन कॉस थीटा जो भी आएगा डी टी इज इक्वल टू एम रूट टू जी एच, तो इंटीग्रेट एन डी टी की वैल्यू आ गई। वही एन इन वेजेस पे ऐसे लगा, उस एन ने के दो कंपोनेंट थे ये एन के, एक वाई में और एक एक्स नहीं तो चलाया, तो इंटीग्रल एनडीटी बराबर एमबी, और एनडीटी की वैल्यू आपने पहले निकाल दी। अरे यार आई कि नहीं आया? एन थोड़ी निकालते, डीटी के लिए होता टाइम ही दिया, जब तक कैसे निकालेगा? इंपल्स पूछेगा उधर से, और अगर एन निकलवाना होगा तो जैसे डीटी दिया होगा टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ कोई कुछ पूछ रहे? हाँ हाँ आएगी बिल्कुल, मैंने पूरे से लिखा है ताकि इंपल्स पूछे तो भी बता दे। हैं चार हुई ना, एक एरी दूसरी वाई में, तीसरी इसके एक्स में, और चौथी ई की। अरे एक तो ये रही, दूसरी, तीसरी और चौथी। ओ बहुत सुपर डुपर सन्नाटा सर, लग रहा कुछ सीख रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोलो, डरो मत, इसलिए मैं उन्हें करा नहीं रहा हूं। नोट्स रिवाइज करोगे तो सब याद भी मत करना। मैं बोल रहा हूं ओलंपियाड में ऐसा पूछा था, जो मैंने कराया उससे बहुत आसान है। और जैसे मान लो मैं आपसे पूछू, आपको सिर्फ सुन लें, मतलब अगर आपको जैसे पहले 10 नंबर सब्जेक्टिव होता था ऐसे पढ़ाया जाता था, ये मास है बॉल ऐसे आई, मान लो मैं यहां पे म्यू ले लू तो ये भी चलेगा। लॉजिक सोचो, एक प्लैंक रखा हुआ है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, बॉल ऐसे ढिचकाऊं प्लैंक चलेगा नहीं चलेगा? फ्रिक्शन होगा तो चलेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी चलेगा। एक एक पहले तो जो मैंने अभी तक सवाल समझा कुछ कुछ फील आई है ना, अब मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो चलेगा? अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो चलेगा, अगर होगा तो सोचो कैसे कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, क्या, सिर्फ फील करो, सवाल करा नहीं रहा, सिर्फ फील करो। जो छोटे छोटे होंगे कंसेप्ट होंगे वो करा दूंगा, फालतू कैलकुलेटिव नहीं कराऊंगा आपको।
सिर्फ फील करनी है। मान लो ये बॉल ऐसे, तो नॉर्मल तो ऐसे, इस बॉल की मान लो ऐसे रफ्तार थी, ये था ux और ये था uy, बोलो क्लियर। अब होता क्या है कि इस ui की तो रफ्तार हो जाती है euy, कितनी हो जाती है EUI. इस euy से, ये तो मैं डर तो नहीं लग रहा, इस euy से हम इंटीग्रल ndt के लिए निकाल लेते हैं। इंटीग्रल ndt इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, दैट इज m euy प्लस एम यू वाई, वॉट यू विल गेट, इंटीग्रल एन डी टी। अच्छा, वो इंटीग्रल एन डी टी ही इंटीग्रल, इसमें पीछे फ्रिक्शन लगाएगा इंपल्सिव जो कहलाएगा म्यू एन, और इसमें किधर लगाएगा जो फिर से कहलाएगा म्यू एन, तो इसमें इंपल्स कितनी आई, इंटीग्रल म्यू एन डी टी इक्वल्स टू एम वी डैश, जो भी इसकी रफ्तार आई वी डैश। अच्छा, फ्री स्मूथ माना है वरना प्राण निकल जाएंगे। म्यू एन डी टी, ये म्यू आपको पता है क्या, इंटीग्रल एन डी टी के लिए पता है? Yes, अरे आज yes, अरे भाई साहब yes, नहीं आया, आया नहीं आया, आया। अच्छा, ऐसे ही इसकी यूएक्स, इसकी फाइनल यू यूएक्स डैश भी निकाल सकते हो, इसमें उल्टा लगेगा, इस पे जो भी लिखना है वो लिख लेंगे, है? कौन से नॉर्मल कंपोनेंट, कौन सा नॉर्मल कंपोनेंट है, सही तो कर रहा हूं यार, है नॉर्मल तो वर्टिकल है, अरे नॉर्मल तो वर्टिकल है, अरे हाँ ना बोल, मुझे लगा ही तुम्हें आया, आया नहीं आया। जीवन का असली आनंद तब आता है जब रोटेशनल में घूमती हुई आती है बॉल और ये टॉर्क लगाता है और ओमेगा भी चेंज करता है, बॉल पे ऐसे घूमती आएगी जर जर जर। जीवन का आनंद तब आएगा। एक बार ओलंपियाड में बहुत पहले उन्होंने इससे इसका बहुत आसान वर्जन पूछा था, एक ब्लॉक रखा था और बॉल को ऐसे घुमाते हुए फेंका था, ठीक, जब बॉल ऐसे रोटेशन में आता है वैसे बॉल को घुमाते हुए फेंकोगे तो टकराई, ऐसे घूमती हुई टकराई तो फ्रिक्शन कहां लगा, इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, इंपल्सिव इंपल्सिव लगा ना, उस इंपल्सिव फ्रिक्शन की वजह से इंपल्सिव टॉर्क लगा, उससे वैसे उन्होंने ओमेगा पूछी थी, क्या पूछी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिद्धांत करो तुम। मास्टर स्टाइल मार रहा है, मान लो दो डिस्क है या डिस्क मान लो ओरिजिनल प्लेन फ्रिक्शन लेस पे रखी हुई है, बात नहीं, इसका मास एम, इसका मास एम, इसका रेडियस 2r, इसका मास भी m, ये मान लो v नॉट रफ्तार से आई, किसी भी रफ्तार से आई बेसिकली, एंड इट स्टॉप्स, एंड इट स्टॉप्स, कौन स्टॉप्स, बोलो क्लियर, इनके बीच में ई, इनके बीच में ई बताओ, बिगर डिस्क स्टॉप्स आफ्टर टकराना, बिगर बिगर डिस्क स्टॉप्स आफ्टर टकराना, बिगर डिस्क स्टॉप्स आफ्टर टकराना, बिगर डिस्क स्टॉप्स आफ्टर टकराना,
है, 9/4, 9/16 आ रहा है वैसे सब लोगों को, 9/16 ही आना चाहिए। हाँ 9/4 तो साले वन से बड़ा हो गया। हाँ कुछ गड़बड़ करी होगी तूने, कर ये देख, सिंपल करते हैं, देखते हैं ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है कि नहीं। अच्छा ये थ्री आर है और ये आर ए अल्फा है, बोल है कि नहीं। इस पे टकराने के बाद फोर्स ऐसी लगेगा तो रफ्तार भी ऐसी आएगी बी, इस पे भी ऐसे आएगी बी। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप डायग्राम देखो तो इधर लगेगा इंपल्स, इस पे इधर लगेगी इंपल्स। सही बोल रहा हूं क्या? इधर इधर इंपल्स लग गई, बेसिकली नॉर्मल झटका जो भी लगा, एन एन जो भी आपको मानना है, इस एन एन के झटके ने इसे रोक दिया और यही एन एन इधर लगा, तो हॉरिजॉन्टल में तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं शायद आसानी से आ जाए। ये रफ्तार वी, ये एंगल अल्फा, अगेन क्या 2mv cos अल्फा प्लस फाइनल मोमेंटम जीरो इसका, ये फाइनल मोमेंटम हुआ इक्वल टू एमवी नॉट। एम ने एम को, एक तो ये बात आ गई, बेसिकली वी बाई वी नॉट का रेशो आ गया, किसका रेशो आ गया, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखे हैं, इस पे लिख देते हैं। ये तो डायरेक्ट वी से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुई देखना, वी 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 इसको और इसको देखो सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुई, ई था क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ रिलेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यार नहीं आया, अलोंग द नहीं आया, तो ई की वैल्यू लिखी गई वी बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वी नॉट कॉस अल्फा। अरे सही कर रहा हूं मैं यार, वी नॉट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो वी नॉट कॉस अल्फा हुई ना, क्योंकि पहले ये चल और वी बाय वी नॉट के लिए, यहां से बता ई के लिए कितनी आई देखना, वी बाय वी नॉट के लिए कितनी हुई रे, 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा के लिए रख दो, बताओ कॉस अल्फा के लिए बोलो, कॉस अल्फा के लिए बोलो, अरे कॉस अल्फा के लिए बोलो ना यार, देख ये साइड देख, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/3, अरे सही है क्या, साइन अल्फा के लिए 1/3, तो कॉस अल्फा की कितनी बताना जरा, 9 माइनस यानी कि √8/3, तो 8/9 9/16 इज परफेक्ट। बहुत बढ़िया, सन्नाटा पसर गया है सब तरफ, आया नहीं आया, हाँ कुछ गड़बड़ करी कहां पे, ऐसे रफ्तार थी, ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे, तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या हुई, वी नॉट कॉस अल्फा, वही तो लिखी, वो इसको कर रहा था इधर वाली चीज को बैलेंस, नहीं तो मैंने कहा बोला, मैंने तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखी जाती है ना ये इक्वेशन, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इसके लिए अलग लिखी जाएगी, इसके लिए अलग लिखी, तो अलग अलग लिखी ना मैंने, अगर ये नहीं होता तो वी नॉट साइन अल्फा कॉन्स्टेंट रहता, क्योंकि ये है इसलिए वो कॉन्स्टेंट, अरे बात नहीं, इस एन ने जो इस वी नॉट का इधर वाला कॉस अल्फा है उसी को चेंज करा है, उस वी नॉट साइन अल्फा को चेंज, उसको किसने इफेक्ट डाला होगा, दूसरे वाले बोलने, हाँ ठीक है, अरे दोनों का इंपल्स आया ना, इसका इंपल्स इधर, इसका इधर, इनका कंबाइंड इफेक्ट आया। अरे एक मिनट,
बात नहीं, पहले तो तुम्हें समझ आया नहीं आया, ये परफेक्टली सही है। अब डाउट क्या रहा है पूछो मुझसे, समझ लिए। ये ऐसे जे मान लो एन लगा और ये एन ऐसे लगा, तो इन दोनों के एन ने रोक लिया इसको, तो तकलीफ क्या हुई? ई की इक्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखते हैं, तो मैंने यहां लिखी ई की इक्वेशन, तो दिक्कत क्या है? अरे वी नॉट साइन अल्फा को दूसरे ने बैलेंस करा ना, दो हैं, अगर ये नहीं होती तो वी नॉट साइन अल्फा चेंज, दूसरा भी तो है। मैंने आपको इसीलिए एक बात समझाई, तेरी बात का आंसर देता हूं मैं, कि मोमेंटम कंजर्व हो या ना हो ई की इक्वेशन पे कोई टेंशन। अगर सिर्फ आप इन दोनों को देखोगे तो मोमेंटम कंजर्व, सिर्फ इन दोनों को देखोगे तो, पर इन दोनों में ई की इक्वेशन, ई की इक्वेशन लगाते वक्त मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने इतनी जगह लगाई जब मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं था अभी। सुपर डुपर सन्नाटा, जाटअप हो गया, थोड़ी थोड़ी फील आई, बिल्कुल फील आ गई कि सेंटर पास अपने लिए नहीं है। अरे आया नहीं आया, अब सिंपल अपन वो पढ़ते हैं थोड़ी देर, कॉन्फिडेंस लाते हैं, रुक जा देख। नहीं नहीं सिंपल 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 कोलिजन पढ़ लेते हैं, देखा जा, आओ सुनो जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। देख मान लो कि ये बॉडी का मास m1 है, इसकी रफ्तार u1 है, ये m2 है, ये u2 है। सुन बात नहीं प्लीज यार, हेड ऑन कोलिजन ले रहा हूं, बस हेड ऑन ऑब्लिक में कल बता चुका था। हेड ऑन का मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन, क्या है हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे हैं? ये इलास्टिक हो, पार्शियल इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कोई फर्क पड़ता है? कैसे नहीं फर्क पड़ता है? अरे भैया, अरे भैया बस बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? E की वैल्यू वन हो, हाफ हो, जीरो, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? बट एक बात सही है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कौन से केस में होती है? E बराबर वन में, E बराबर वन में। पर असलियत में दो इक्वेशन हमेशा वैलिड है, वन इज द मोमेंटम कंजर्वेशन। मान लो बॉल टकरा, ये कहानी में सुना चुका हूं, ध्यान से वापस से सुनाता हूं, वी वन और ये रफ्तार कितनी हो गई v2। अगर e जीरो है तो v2 v1 बराबर आ जाएंगे, e कुछ और है तो कुछ अलग आएंगे, e के लिए वन है तो भी आएंगे। बोलो क्लियर एकदम? कौन ज्यादा है, v2 की v1? आइटम हो गया, मतलब बॉल टकराई फिर भुचड़ 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 भुचड़। हाँ ना बोल, कोई बुराई नहीं। यहां कौन ज्यादा है, यहां कौन ज्यादा है, तभी तो अलग होते हैं। अरे भैया हाँ ना बोल। अब इसमें देखें तो कुछ इक्वेशन सेम है, चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो, हर टाइप के कोलिजन के लिए जनरलाइज कर लेता है। सिंपल, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो सही है क्या? दूसरी इक्वेशन e बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो v2 की वैल्यू आई e u1 माइनस u2 प्लस v1, यस और नो? उठा के यहां रख दो तो m1 u1 प्लस m2 u2 को मान लो इनिशियल मोमेंटम pi, yes, क्या मान लो? PI. मान सकता हूं क्या? yes, तो इसे लिख लो pi, तो देखो क्या लिखा गया, pi बराबर m1 v1 प्लस m2 e u1 माइनस u2 प्लस v1, m2 v1। बोल सही है गलत? yes. अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो देख, इधर सुनना, v1 की वैल्यू आई p इनिशियल प्लस m2 प्लस m2 e u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। अरे डायरेक्ट फॉर्मूले काम आते हैं इसलिए बता रहा हूं, ये रटने पड़ेंगे आप। ऐसे v2 के लिए क्या आएगी बोल, p इनिशियल प्लस m1 e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। रटने टेक्निक बता रहा हूं, ये सब जगह काम आएगी, सुन ले। ये फॉर्मूले आपको रात को 2 बजे भी याद होने, क्योंकि सारे कोलिजन बता देते हैं और हर कोलिजन के बारे में बताया। सो एक मिनट रुक जा,
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सब एक साथ लिखाऊंगा इसमें। पहले लेटो कैसे सुन, देख पीआई बाय मैं कैसे लिखता हूं, सुनना इधर। वी वन लिखना है तो ये तो मुझे पता है कॉमन फॉर्मेट है, बोल है नहीं। पी इनिशियल इज व्हाट बेसिकली, वो M1 U1 प्लस M2 U2 है, वो लिख दूंगा तो फॉर्मूला और बड़ा हो जाएगा। अगर V1 है तो M2 E एंड U2 माइनस U1, और अगर ये V2 है तो M1 E एंड U1 माइनस U1, थोड़ा रटने में आसान हो जाएगा, चमकानी में क्या कह रहा हूं। अच्छा एक बात समझो, अब E की कोई भी वैल्यू काम करेगा, सोच E के लिए 0 है तो दोनों बराबर है, E के लिए 0 है तो दोनों, रुक जाए एक मिनट पहले सुन ले अच्छे से। कोलिजन जब भी होगा जब मोमेंटम कंजर्वड है, कौन सा कंजर्वड है, मोमेंटम कंजर्वड है और E की इक्वेशन, तो कोई सी भी E के लिए दे रखी हो, कोई भी XYZ व्हाटएवर इट इज, मुझे आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। मैं कह रहा हूं कोई भी ऑब्लिक कोलिजन हो तो भी बड़ी बात नहीं है। क्यों ऑब्लिक कोलिजन मतलब, इधर इधर बोलो क्लियर है एकदम, ऐसे मान लो टकरा रहे ऑब्लिक कोलिजन, तो ये मान लो U है और ये U0 है, तब भी ये सब लगा सकते हो। बस ये याद रखना कि U1 U2 क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और V1 V2 भी क्या आया है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग द, मैं तो हमेशा फॉर्मूला याद रखता हूं, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। U1 U2 V1 V2 क्या है, वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये फॉर्मूले सब जगह काम करते हैं, सब जगह एवरीवेयर। तुम्हें भाई साहब आया तो है नहीं, आया कि नहीं आया, पहले तो आया नहीं आया, उतार ले रट ले। और जो खूब सवाल कराए जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के,